शासकीय माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय बरकी नगर में पदस्थ शिक्षिका पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा। ऐसा ना करने पर शिक्षिका को स्कूल से निकालने की धमकी भी दी जा रही। यह आरोपी शिक्षिका ने स्कूल के प्रिंसिपल पर लगाए, जिसके विरोध में स्कूल की छात्राएं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ और एनएसयूआई छात्रों द्वारा एसपी से शिकायत की जा रही है। सौरभ शर्मा ने कहा कि शिक्षिका पिछले 11 सालों से स्कूल में पदस्थ है। इस दौरान प्रिंसिपल द्वारा स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। प्रिंसिपल द्वारा शिक्षिका से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया है। शिक्षिका ने जब मना किया तो उसे स्कूल से निकालने की बात कही जा रही। शिक्षिका का आरोप है कि उसने पूर्व में प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की थी, में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा और एनएसयूआई के छात्रों द्वारा एसपी को शिकायत की गई है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगी नगर में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ और मैंने 29 तारीख को कलेक्टर महोदय के सामने शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें मैंने श्री कृष्ण रायखेड़े जो बरगी नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हैं उनके विरुद्ध शिकायत की है कि वो मेरे साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, और जिसके आज दिनांक तक मुझे कोई कार्यवाही नहीं मिली है, ना ही कोई जांच अभी तक हो पाई। कहां आप शिकायत इसकी कर चुके हैं? मैंने एसपी ऑफिस में किया है, कलेक्टर महोदय के समक्ष किया है, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के समक्ष किया है और मानव अधिकार आयोग ने भी दिया है। इतने शिक्षकों में आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो? सर ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं। बाकी वो तो अभी गए ना वहाँ पर, वो अगस्त में आए हैं वहाँ जी। क्या कारण है सर कि आप ही सर? मैं अतिथि शिक्षक हूँ, हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि अतिथि शिक्षक है। सर मैं तलाकशुदा भी हूँ, एक बच्ची का लालन पालन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हो सकता है उन्होंने इस चीज को सोचा होगा कि ये आसानी से मेरी बातों में आ जाएगी और मैं दबाव बना पाऊंगा। तो कब से ये दबाव बना रहे हैं? दिसंबर माह से। क्या प्रोसेस, क्या रहा, इन्हें क्या कहा? इन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के बोला कि तुम मुझसे मिलने जबलपुर आओ और मेरे मैं तुमसे जो चाहता हूँ वो पूरा करो, अन्यथा मैं तुमको यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। स्कूल के छात्राओं के साथ भी हैरेसमेंट हुआ है? स्कूल के छात्राओं के साथ वो उनके जो बात करने का तरीका है वो बहुत गलत है और बच्चों को भी उन्होंने बहुत डराया धमकाया है, जिसके विषय में बच्चे ने शिकायत आज किया हुआ है। रिपोर्ट की थी आपने तो इस पे कार्रवाई नहीं की? सर मुझे दो तारीख को मुझे राजकुमार नेमा जो कि सहायक शिक्षक है उनके द्वारा मेरे भाई के फोन पे फोन किया गया था कि तुम्हारी बहन ने जो श्री कृष्ण रायखेड़े प्राचार्य के लिए जो शिकायत की है कलेक्टर महोदय के सामने वो ले लिया जाए, वापस ले ले, अन्यथा बरगी से बरगी नगर जो 7 किलोमीटर का जो सफर है वो अकेले तय करती है, कोई भी घटना उसके साथ घट सकती है। जिसकी शिकायत आज इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर जी, क्या कारण? सभी मेरे साथ हैं और उन्होंने देखा, उन पर भी दबाव बनाया गया है गलत कि तुम लिख कर दो कि मैडम ऐसे स्कूल में पढ़ाने नहीं आएंगी, तो बच्चों ने क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे जानते हैं कि मेरा स्वभाव उनके साथ कैसा है, मेरा रिजल्ट भी 100% हमेशा से रहा है, आज बच्चे सभी मेरे साथ हैं। इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? सर मैं इस स्कूल में 2011 से पढ़ा रही हूँ और हर साल मेरा रिजल्ट 100% रहता है। बच्चों को भी डराया धमकाया? जी हाँ, बच्चों को भी डराया धमकाया गया है और कोरे कागज में उनसे बिना उनको उनकी नॉलेज में कि उस कागज में क्या लिखा है छुपा कर उनसे साइन कराए गए हैं। क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते रहे? सर मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाती हूँ। के खिलाफ कुछ शिकायत गंभीर जी, बरगी चौकी नगर जो है हमारा, वहाँ पर से जो है ये स्कूल के बच्चे आए हैं, उनके साथ में वो जो स्कूल टीचर हैं वो भी आई हैं, उनका कहना है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ में जो है उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट टाइप की कोई बात वो बता रही हैं। इसके संबंध में पुलिस ने जो है सुबह ज्ञापन इन्होंने बरगी चौकी पर दिया था, उस जो ज्ञापन हुआ है उसकी वेरिफिकेशन करके उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, अगर ये सही होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चियों का भी आरोप है, एक बच्चे का भी कहना है कि इसके भी गलत डिमांड जो है, ये भी तथ्य प्रकाश में लाया गया है और सभी चीज़ों को देख कर इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली चूंकि आप जान ही रहे हैं कि वो उनके साथ छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, तो इसमें जो कंसर्निंग सेक्शंस हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी।